हिस्ट्री ऑफ मेंटल हेल्थ, हिस्ट्री ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है कि हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग की जो हिस्ट्री है इसको हम जानें, क्योंकि अगर हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग की हिस्ट्री को नहीं जानेंगे तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग की शुरुआत कब हुई थी, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी। हम आगे बढ़ते हैं। मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्री, मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्री, मेंटल हेल्थ किसे कहते हैं? जनरली अगर मेंटल हेल्थ के हवाले से मैं आप स्टूडेंट्स को बताऊं तो मेंटल हेल्थ से मुराद ये है कि किसी भी शख्स की वो जहनी कंडीशन जिसमें वो अपने आप को इमोशनली तौर पर, मतलब जो जज्बाती तौर पर है, ठीक है, जो जज्बाती कंडीशन होती है, इसके साथ साथ साइकोलॉजिकली और सोशली वो अपने आप को हेल्दी महसूस करते हो, हेल्दी फील करते हो, तो इसको हम मेंटल हेल्थ कहते हैं। सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको मजीद ये करके बताऊं तो मेंटल हेल्थ से मुराद किसी भी शख्स की वो कंडीशन जिसमें उसमें ये एबिलिटी मौजूद हो कि वो हर तरह के सिचुएशन को कोप कर सकते हो। कोप से मुराद ये है कि वो हर तरह के सिचुएशन को मैनेज कर सकते हो, उसको फेस करने की ताकत उसमें हो। इसके साथ साथ किसी भी किस्म की अगर डिफिकल्टी उनको पेश आती है, किसी भी किस्म के अगर प्रॉब्लम उनको पेश आते हैं, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनकी जो थिंकिंग एबिलिटीज है, सोचने समझने की जो सलाहियतें हैं, जिसमें वो टाइम पर फैसला कर सकते हो, इसके साथ साथ वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हो, इसके अलावा जो है वो रीजनिंग कर सकते हो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स पर, तो ये सलाहियत उनमें मौजूद हो। और इसके अलावा उनका अपने फैमिली के साथ जो रिलेशनशिप है, उनका अपने दोस्तों के साथ जो रिलेशनशिप है, उनका अपने सोसाइटी में जो किरदार है, मतलब जो रिलेशनशिप है लोगों के साथ, तो वो अगर क्या हो, सेटिस्फाइंग हो, तो ऐसे लोगों को फिर हम क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को फिर हम मेंटली हेल्दी पीपल कहेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं मेंटल हेल्थ। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम मेंटल हेल्थ कहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ सिंपल डिफिनेशन दी गई है। काइंडली जो स्टूडेंट अभी नए आए हुए हैं तो वो अपने माइक जो है उसको म्यूट कर दे ताकि किसी किस्म की डिस्टरबेंस ना हो। शराबी भी की तरफ से आ रहे हैं सब। काइंडली बुशरा आप अपने माइक को ऑफ कर दे ताकि डिस्टर्ब ना हो क्लास। तो मेंटल हेल्थ किसे कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पर डिफिनीशन में कहते हैं कि मेंटल हेल्थ रिफ्लेक्ट आवर इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। जैसे कि तो मेंटल हेल्थ जो है, मेंटल हेल्थ क्या है, मैंने अभी आपको कहा कि मेंटल हेल्थ जो है ये हमारे साथ Recording in progress. वो कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें इंडिविजुअल की जो इमोशनल स्टेट होती है, जो साइकोलॉजिकल स्टेट होती है और जो सोशल स्टेट होती है, वो क्या होती है, वेल होती है, ठीक है। तो इसको हम मेंटल हेल्थ कहते हैं। इमोशनल स्टेट में इज आपके जो सैडनेस या हैप्पीनेस है, ठीक है, आपके एंगरनेस हो गए, आपकी रिलैक्सेशन मूड हो गए, तो ये आपके इमोशनल में आते हैं। साइकोलॉजिकल में आपकी थिंकिंग, सोचने समझने की जो सलाहियतें हैं, आपकी मुख्तलिफ कंडीशन में किस तरह से आप डिसीजन लेते हैं, किस तरह से आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, तो ये सब साइकोलॉजिकल फैक्टर में आते हैं। और सोशल फैक्टर का मैंने आपको बताया कि आपके फैमिली के साथ आपके जो ताल्लुकात होते हैं, आपके दोस्तों के साथ आपके जो ताल्लुकात होते हैं, और माशरे में लोगों के साथ आप किस तरीके से इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है सोशल फैक्टर्स में आती है। तो मेंटल हेल्थ से मुराद ये है कि अगर आप इन तीनों फैक्टर में क्या है, अपने आप को सेटिस्फाई महसूस करते हैं, अपने आप को नॉर्मल महसूस करते हैं, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये बंदा जो है मेंटली क्या है, हेल्दी है। अब आ जाते हैं साइकेट्री की Recording stopped. अब आ जाते हैं साइकेट्री की तरफ। साइकेट्री क्या है, साइकेट्री इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन फोकस ऑन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर। साइकेट्री
साइकेट्री जो है ये असल में हमारे साथ मेडिसन्स या साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हमारे साथ साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम मेंटल, इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर से रिलेटेड जितने भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स होते हैं और उसको डायग्नोस करने के बाद जितने भी हमारे साथ ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स होते हैं या लोगों को हम किस तरह से मेंटल, इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर से बचा सकते हैं जिसको हम प्रिवेंशन कहते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं और इन चीज़ों के हवाले से जब हम क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं, तो इसको हम साइकेट्री कहते हैं। अक्सर औकात आप स्टूडेंट्स ने सुना होगा कि कोई ऐसा बंदा या बंदी जो कि इमोशनली तौर पर अपने आप को ठीक महसूस नहीं करते या आपको लगता है कि वो बंदा जो है डिस्टर्ब है मेंटली तौर पर या उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो उनको हम साइकेट्रिस्ट के पास जो है उनको हम ले जाते हैं। साइकेट्रिस्ट क्या काम करते हैं, साइकेट्रिस्ट का काम ये होता है कि वो अपने मुख्तलिफ टेक्निक्स के ज़रिए, मुख्तलिफ प्रोसेसेस के ज़रिए, मुख्तलिफ स्किल्स के ज़रिए उन पेशेंट को डील करते हैं और उनके माइंड में जो प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, उनके जहनों में जो क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को मुख्तलिफ टेक्निक के ज़रिए, मुख्तलिफ प्रोसीजर्स के ज़रिए वो क्या करते हैं, वो मालूम कर लेते हैं। जब वो मालूम कर लेते हैं तो उसके लिए फिर साइकेट्रिस्ट जो है प्रॉपर इंटरवेंशन करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और इसी प्लानिंग के मुताबिक उनको फिर ट्रीटमेंट देते हैं जिसके बाद उनकी जो कंडीशन होती है वो नॉर्मल हो जाती है और वो फिर दोबारा से अपने जो सोशल रिलेशनशिप होते हैं उसको अस्तवार कर लेते हैं। तो ये काम किसका होता है, ये काम साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स का होता है और इस ब्रांच को क्या कहते हैं, इस ब्रांच को साइकेट्री कहते हैं जिसमें हम मेंटल, इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर से रिलेटेड जितनी भी डायग्नोसिस होती है उसके लिए जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं और वो स्टेप जिसके ज़रिए हम लोगों को जहनी, जज्बाती और बिहेवियरल डिसऑर्डर से बचा सकते हैं, तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, साइकेट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, साइकेट्री कहलाती है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग की तरफ। मेंटल हेल्थ नर्सिंग ये असल में हमारे साथ नर्सिंग की एक स्पेशलिटी है, जैसे कि हमारे साथ पेडियाट्रिक में हमारे साथ जो बच्चों के नर्सिस होते हैं जिन्होंने बच्चों के हवाले से जो है स्पेशलाइज स्टडी की होती है, तो उनको फिर हम पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग फील्ड कहते हैं। इसी तरह से जो ओल्ड एज लोग होते हैं जिसको हम जेरियाट्रिक कहते हैं, तो जेरियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग ये हमारे साथ एक अलग फील्ड है। इसके अलावा जो कार्डियोलॉजी है, ठीक है, या कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं या बीएस कार्डियोलॉजी होती है, तो ये असल में हमारे साथ डिफरेंट फील्ड है, स्पेशलाइज फील्ड है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम एजुकेशन हासिल करके उसके उस स्पेशल फील्ड से रिलेटेड जितने भी स्किल्स होते हैं, जितनी भी नॉलेज होती है वो हम गेन करते हैं। तो बात करने का जो बुनियादी मकसद है मेरा वो यही है कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग ये असल में हमारे साथ नर्सिंग की एक स्पेशल फील्ड है जिसमें हम माइंड से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितने भी मेंटल प्रॉब्लम डिसऑर्डर्स होते हैं, एबनॉर्मलिटीज होती है, और फिर उन एबनॉर्मलिटीज को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए हम किस तरह से नर्सेज जो है वो केयर दे सकते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको मेंटल हेल्थ नर्सिंग कहते हैं। यहाँ पर सिंपल अल्फाज में डिफिनीशन आपको बताई गई है, कहते हैं कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज अ स्पेशलिटी ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस फोकसिंग ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ इशूज, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम and care and treatment of person with psychiatric disorder। वही बात है जो कि मैंने आपको अभी कही कि mental health nursing ये असल में हमारे साथ nursing की एक special field है जिसमें हम ख़ास तौर पर mental health से related जितने भी issues होते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको हम identify करते हैं, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से mind से related जितने भी problems है तो उन प्रॉब्लम से किस तरह से हम अपने लोगों को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, तो इसके हवाले से हम क्या करते हैं, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में हम स्टडी करते हैं।
और इसी तरह से अगर कोई पेशेंट जो है वो मेंटली तौर पर एबनॉर्मल है, वो किसी डिजीज का शिकार हुआ है या किसी डिसऑर्डर का शिकार हुए हैं, तो उनके उनको हम किस तरह से केयर दे सकते हैं और उनको हम ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों के हवाले से जिस फील्ड में हम स्टडी करते हैं तो उस फील्ड को हम क्या कहते हैं, मेंटल हेल्थ नर्सिंग कहते हैं, ठीक है। और ये डिफिनीशन किसने की थी, ये डिफिनीशन अमेरिकन साइकेट्रिक नर्सिंग एसोसिएशन ने की थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ भी आप स्टूडेंट्स को आ गई होगी। मजीद आगे बढ़ते हैं, स्कोप। स्कोप किसे कहते हैं, स्कोप से मुराद ये है कि ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो हम स्टडी कर रहे हैं तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या अहमियत है। ये अब्दुल हाई राशिदा फर्ज की किरदा बदिया तो पढ़ना। स्कोप किसे कहते हैं, स्कोप से मुराद ये है कि एक फील्ड है, मिसाल के तौर पर अभी जो हमने पढ़ा मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग की क्या अहमियत है, आया मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो है हमें स्टडी करनी चाहिए या नहीं। इसी तरह से बीएस कार्डियोलॉजी जो होती है या बीएस एनेस्थीसिया जो होती है, तो इन सब के क्या है, स्कोप है, इन सब की अहमियत है, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत है, तो इसी वजह से हम इसको स्टडी करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्कोप, मतलब एक चीज़ की हमें जितनी ज़रूरत होती है तो उतना ही हम उस चीज़ को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। सो द स्कोप ऑफ साइकेट्रिक नर्सिस मे बी इन जनरल साइकेट्रिक केयर एंड स्पेशलाइज एरिया लाइक चाइल्ड एंड एडोलिसेंट मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जीरियाट्रिक साइकेट्रिक नर्सिंग, फोरेंसिक और सब्सटेंस अब्यूज। कहते हैं कि जो साइकेट्रिक नर्सिस है इनकी जो अहमियत है ख़ास तौर पर हमारे साथ साइकेट्रिक केयर में इनकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है, और इसके अलावा बच्चों से रिलेटेड और जो एडोलेसेंट लोग होते हैं, तो ज़्यादातर जो हमें मेंटल से रिलेटेड लोग देखने को मिलते हैं तो उसमें कुछ रेशो में हमारे साथ बच्चे होते हैं जो कि पैदाइशी तौर पर वो क्या होते हैं, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर रेशो हमें मिलती है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड लोगों की तो वो एडोलेसेंट होते हैं, ठीक है। तो एडोलेसेंट की केयर करने के लिए हमें नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी तरह से जब लोग एज हो जाते हैं, उनकी उम्र हो जाती है, तो उम्र बढ़ने की वजह से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी मेमोरी जो है वो लॉस हो जाती है, ठीक है, वो एबनॉर्मली बिहेव करना शुरू कर देते हैं, मतलब उनके जो मेंटल प्रॉब्लम है वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर उन पेशेंट को हमने क्या करना होता है, डील करना होता है, उनको हमने केयर देनी होती है। तो जीरियाट्रिक साइकेट्रिक नर्सिंग से मुराद, जीरियाट्रिक किसे कहते हैं, जीरियाट्रिक से मुराद जो ओल्ड एज लोग होते हैं तो उनको हम जीरियाट्रिक कहते हैं, ठीक है। आवाज़ नहीं आ रही, रेहाना कह रही है कि आवाज़ नहीं आ रही, तो काइंडली आप अपना जो स्पीकर है, ठीक है, ईयरफोन है, उसको मैंने आपको बताया था कि उसको क्लिक करें तो आपको आवाज़ आएगी। जीरियाट्रिक साइकेट्रिक नर्सिंग में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, इसी तरह से फॉरेंसिक में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, और सब्सटेंस अब्यूज़, सब्सटेंस अब्यूज़ से मुराद ये है वो लोग जो कि नशा करते हैं, ठीक है, वो लोग जो कि नशा करते हैं, जो ड्रग वगैरह यूज़ करते हैं, तो ड्रग वगैरह यूज़ करने की वजह से वो उसके आदि हो जाते हैं, तो उसके आदि होने की वजह से फिर उन नशावर चीज़ों से जब हम उनको उनको हटाते हैं, ठीक है, और उनको दोबारा नॉर्मल लाइफ की तरफ लाते हैं, तो इस तरह की जो केयर है इसमें भी मेंटल हेल्थ नर्सिस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, और वो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट केयर देते हैं इस तरह के जो सब्सटेंस अब्यूज पेशेंट होते हैं उनको। इसी तरह से यहाँ पर हमारे साथ एक दूसरा टर्म यूज हुआ है, फोरेंसिक का मेरे ख्याल में आप स्टूडेंट्स को पता होगा कि फोरेंसिक जो है ये असल में हमारे साथ साइंस की एक फील्ड है, जिसमें हम क्या करते हैं, साइंटिफिक टेस्ट या साइंटिफिक टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, और इसी तरह से मुख्तलिफ जो क्राइम वगैरह होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ क्राइम हुए होते हैं, तो उन क्राइम को के जो मिसाल के तौर पर अगर फायर आर्म के केसेस आ जाए, किसी ने किसी को शूट किया हुआ हो, तो शूट करने वाले शख्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम फोरेंसिक साइंस से हेल्प लेते हैं, जिसके ज़रिए हम
उनके जो फिंगर प्रिंट्स है ठीक है उसकी डिटेक्शन करते हैं, या जो क्या जो जिन्होंने मतलब कोई मिसाल के तौर पर मतलब किसी को कत्ल किया है, तो जिन्होंने कत्ल किया हुआ होता है उस बंदे को, तो उस बंदे को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके हम फिंगर प्रिंट्स लेते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उस बंदे से रिलेटेड हो जिन्होंने क्राइम किया हो, तो उसको मालूम करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम फॉरेंसिक साइंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी समझ आ गई आप स्टूडेंट्स को क्या? नहीं ठीक जी है, गुड। सर आ गई है, लेकिन वो बीच में ना थोड़ा सा मेरे हुआ था ना, जब आप ये जियोट्रिक का बता रहे थे, तो उसको एक दफा थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। जेरेट्रिक मेंटल जेरेट्रिक हेल्थ नर्सिंग से मुराद ये है कि जेरेट्रिक का मैंने आपको बताया कि जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनको जेरेट्रिक कहते हैं। तो जेरेट्रिक मेंटल हेल्थ से मुराद ये है कि वो लोग जिनकी उम्र जो है वो ज़्यादा हो चुकी होती है और उनको मेंटल मेंटल माइंड से रिलेटेड किसी भी किस्म की एबनॉर्मेलिटी हुई हो, तो उनको केयर देने के लिए हम जो जो नर्सेज अपना रोल प्ले करते हैं, तो उन उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जेरेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ था, एक एमसीक्यू आया हुआ था ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इससे आएगा इंशाल्लाह एमसीक्यूज। इसके एमसीक्यूज मैंने तैयार किए हुए हैं कुछ, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आप स्टूडेंट के साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूंगा इस यूनिट में। साइकेट्रिक हॉस्पिटल की तरफ आ जाते हैं, अब हम हिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं। हिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे कि मेंटल हेल्थ की शुरुआत कैसी हुई थी और इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो क्या है। तो इन 792 AD फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल वॉज इस्टेब्लिश इन बगदाद। सबसे पहले 792 AD में जो पहला मेंटल हॉस्पिटल था जिसमें जो जहनी तौर पर लोग बीमार हुआ करते थे, तो उन जहनी बीमार लोगों की जो इलाज है वो इस मेंटल हॉस्पिटल में किया जाता था। तो सबसे पहले जो मेंटल हॉस्पिटल तैयार किया गया था, बनाया गया था, तो वो बगदाद में बनाया गया था। ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट नॉन साइकेट्रिक सेंटर कियर वर कंस्ट्रक्टेड इन द मिडिल ईस्ट ड्यूरिंग द 8th century। और इसी तरह से 8वीं सदी के दरमियान में कुछ साइकेट्रिक केयर सेंटर जो है वो भी बनाए गए थे। ठीक है, द मिडिवल मुस्लिम फिजिशियंस एंड देयर अटेंडेंट रिलाइड ऑन क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इसी तरह से मिडिवल मुस्लिम फिजिशियंस है, मिडिवल किसे कहते हैं, मिडिवल से मुराद 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के दरमियान का जो टाइम पीरियड था, तो इस टाइम पीरियड के दौरान जितने भी मुस्लिम फिजिशियन थे और मुस्लिम फिजिशियन के जो अटेंडेंट थे, ठीक है, मतलब जो पेशेंट हुआ करते थे, तो उनको जब डायग्नोज किया जाता था, उनकी जब असेसमेंट की जाती थी मेंटल एबनॉर्मेलिटीज को फाइंड आउट करने के लिए, तो असेसमेंट के जो प्रोसेसेस थे तो उसमें वो लोग सिर्फ क्या करते थे, ऑब्जर्वेशन करते थे, अपने क्लाइंट्स को जो है वो ऑब्जर्व करते थे, और ऑब्जर्वेशन के जरिए वो क्या करते थे, अपने क्लाइंट्स की जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करते थे और उसके लिए ट्रीटमेंट जो है वो क्या करते थे, प्रेस्क्राइब करते थे। इसी तरह से इन 13th century मिडिवल यूरोप साइकेट्रिक हॉस्पिटल वर बिल्ट टू हाउस द मेंटली इल, बट देयर वर नॉट एनी नर्सिस टू केयर फॉर देम एंड ट्रीटमेंट वर रेयरली प्रोवाइड। इसी तरह से फिर यूरोप की जो मिडिवल सेंचुरी है, मतलब 13वीं सेंचुरी के दरमियान में यूरोप में जो है साइकेट्रिक हॉस्पिटल बनाए गए, ठीक है, जहाँ पर मेंटली जो एबनॉर्मल पेशेंट हुआ करते थे उनको रखा जाता था, लेकिन जो मेंटली इल पेशेंट थे तो उन पेशेंट को केयर देने के लिए उस टाइम कोई खास नर्सेस मौजूद नहीं थे जो कि इस तरह के जो पेशेंट थे उनको केयर प्रोवाइड करे और उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करे। दीज फैसिलिटीज फंक्शन मोर एज हाउसिंग यूनिट फॉर द इंसान। इंसान किसे कहते हैं, इंसान जो है ये हमारे साथ एक वर्ड है जिसका मतलब क्या है,
जिसका मतलब यह है कि वो लोग जो कि मेंटली तौर पर क्या हो, डिस्टर्ब हो, मेंटली तौर पर एबनॉर्मल हो, तो उनको क्या कहते हैं, उनको इंसान कहते हैं। तो ऐसे लोग जो कि जहनी तौर पर थोड़े से कमजोर थे या एबनॉर्मल थे, तो ऐसे लोगों को जो है फिर इन्हीं साइकेट्रिक हॉस्पिटल में रखा जाता था। मजीद आगे बढ़ते हैं। थ्रू आउट द हाई पॉइंट ऑफ क्रिश्चियनिटी इन यूरोप, हॉस्पिटल फॉर द मेंटली इल बिलीव इन यूजिंग रिलीजियस इंटरवेंशन। और इसी तरह से इसी 13वीं सदी के दौरान क्रिश्चियनिटी जब हाई पॉइंट पर थी, ठीक है, तो वहाँ पर जो है इनके लिए, इन मेंटली एबनॉर्मल पेशेंट के लिए जो हॉस्पिटल बनाए गए थे, तो वहाँ पर इन पेशेंट को रखा जाता था और इनके बारे में ये बिलीव किया जाता था कि अगर इनको हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं तो वो सिर्फ मजहबी जो जितने भी रिवायात है, ठीक है, या मजहबी जितने भी इंटरवेंशन है, ट्रीटमेंट है, तो उसी ट्रीटमेंट्स को यूज़ करते हुए हम अपने जो एबनॉर्मल पेशेंट हैं मेंटली तौर पर, उनको हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। द इंसान वर पार्टनर विद साउल फ्रेंड टू हेल्प देम रिकनेक्ट विद सोसाइटी। और इसी तरह से क्रिश्चियनिटी में जो है ये बिलीव किया जाता था, 13वीं सदी की बात है, क्रिश्चियनिटी में ये बिलीव किया जाता था उन पेशेंट के बारे में जो कि मेंटली तौर पर एबनॉर्मल हुआ करते थे। तो उन पेशेंट के बारे में ये बिलीव किया जाता था कि इन लोगों का जो है किसी बेड साउल के साथ क्या है, फ्रेंडशिप बने हुए हैं, मतलब जो बुरे साए वगैरह है, ठीक है, जिन्नात वगैरह है, उनके साथ इनके ताल्लुकात बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये लोग जो है सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहे और इनका जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मल हुआ है और जहनी तौर पर ये लोग जो है बीमार हुए हैं। तो ऐसे लोगों को जब ट्रीटमेंट दी जाती थी, तो ट्रीटमेंट देने के लिए वो फिर अपने रिलीजियस जितने भी कल्चर है, रिलीजियस जितने भी तौर तरीके हुआ करते थे, तो उन्हें रिलीजियस तौर तरीकों को यूज़ करते हुए वो क्या करते थे, कोशिश करते थे कि अपने जो मेंटली इल पेशेंट है उनको दोबारा से क्या करें, उनको दोबारा से अपने सोसाइटी के साथ रिकनेक्ट करें और उनकी जो जिंदगी है उसको दोबारा से हम क्या करें, बहाल करें और वो दोबारा से अपनी नॉर्मल जिंदगी को गुजार सके। द प्राइमरी कंसर्न वॉज बी फ्रेंडिंग द मेलंकली एंड डिस्टर्ब फॉर्मिंग इंटीमेट स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। इसी तरह से जो केयर दी जाती थी, ठीक है, 13वीं सदी में, तो खास तौर पर उन पेशेंट को मतलब फोकस में रखा जाता था जो कि उदास हुआ करते थे, और उदासी उनको जो हुआ करती थी तो वो भी जहनी एबनॉर्मेलिटी की वजह से। ऐसे लोग अक्सर औकात ज़्यादातर क्या हुआ करते थे, उदास हुआ करते थे। मेलंकली किसे कहते हैं, मेलंकली से मुराद उदासी है, ठीक है, मतलब वो स्टेट जिसमें बंदा जो है बगैर किसी वजह के क्या हो, उदास उदास रहते हो, तो उसको हम मेलंकली कहते हैं। और इसी तरह से डिस्टर्ब जितने भी लोग हुआ करते थे, तो उनको क्या करते थे, उनको ट्रीटमेंट दिया करते थे, उनकी केयर करते थे रिलीजियस तौर तरीकों को यूज़ करते हुए। टुडे द दीज साउल फ्रेंड्स आर सीन एज द फर्स्ट मॉडर्न साइकेट्रिक नर्सेस। और इसी तरह से आजकल के ज़माने में अगर हम देखें, तो 13वीं सदी में जो मेथड्स यूज़ किए जाते थे, जो तौर तरीके यूज़ किए जाते थे मेंटली एबनॉर्मल पेशेंट को नॉर्मल करने के लिए, तो वही तौर तरीके जो है आजकल के जो मॉडर्न साइकेट्रिक नर्सेस है उसको यूज़ करते हैं। मतलब 13वीं सदी में जितने भी मेथड यूज़ हुआ करते थे, तो वो मेथड जो है आज वो बेसिक है, और बेसिकली जो है उसको यूज़ करके उनको केयर दी जाती है। इसी तरह से फिर सेवनटीन नाइनटीज सा द बिगनिंग ऑफ मॉरल ट्रीटमेंट बीइंग इंट्रोड्यूस फॉर पीपल विद मेंटल डिस्ट्रेस। इसी तरह से 1790 की दिहाई में फिर ये भी देखने को मिला कि वो लोग जो कि मेंटली तौर पर डिस्ट्रेस हुआ करते थे, मतलब डिस्टर्ब हुआ करते थे, एबनॉर्मली बिहेव किया करते थे, तो फिर उनको मॉरल ट्रीटमेंट दी जाती थी। मॉरल ट्रीटमेंट से मुराद ये है कि उनको जो है उनका जो बिहेवियर है उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाती थी, उनको रहन सहन का तरीका जो है वो बताया जाता था, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। तो
ये जो है इसकी जो आगाज़ है ये 1790 से इसकी आगाज़ हुई थी। द कंसेप्ट ऑफ सेफ एजाइलम, फर्स्ट एजाइलम प्रपोज बाय फिलिप पाइनल एंड विलियम टूक ऑफर्ड प्रोटेक्शन एंड केयर एट इंस्टीट्यूशन फॉर पेशेंट हु हैड बीन प्रीवियसली अब्यूज्ड एंड इनस्लेव्ड। अच्छा, कंसेप्ट ऑफ सेफ एजाइलम, सेफ एजाइलम ये असल में हमारे साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि स्टार्ट में बनाई गई थी। इस सेफ एजाइलम से पहले जो मेंटल हॉस्पिटल हुआ करते थे, तो वहाँ पर जितने भी मेंटल पेशेंट हुआ करते थे, तो उन मेंटल पेशेंट के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था और उनके साथ जो है जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता था, और यहाँ तक कि उन पर मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे मेडिकल्स के हवाले से, और उन पर मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते थे, जिसकी वजह से उनको जो है उस वक्त तक नहीं छोड़ा जाता जब तक उन वो जो है मुकम्मल तौर पर मर नहीं जाते। तो इस कंडीशन को देखते हुए फिर सेफ एजाइलम की जो कॉन्सेप्ट है उसको मुतारिफ कराया गया। किसने मुतारिफ किया था? फिलिप पिनल और विलियम टूक ने जो है सेफ एजाइलम कॉन्सेप्ट को मुतारिफ कराया था, जिसमें सर उन्होंने आपकी जो आवाज में क्लियर आ रही है। अच्छा फिलिप पिनल और विलियम टूक ने जो है सेफ एजाइलम का जो कॉन्सेप्ट है इसको मुतारिफ कराया था। इस कॉन्सेप्ट में जो है इन्होंने ये बात की थी कि हमने जो है जितने भी मेंटली एबनॉर्मल पेशेंट है उनको हमने केयर देनी है, और उनके साथ किसी भी किस्म का जुल्म अगर हो रहा है तो उस जुल्म से हमने उनको छुटकारा देना है, और उनको जो है एक पुरसकून जिंदगी जो है वो देने की कोशिश करनी है, और ऐसा कोई भी काम हम लोगों को करने की इजाज़त ना दे जिसकी वजह से जितने भी मेंटली तौर पर एबनॉर्मल लोग हैं उन पर क्या हो मतलब ज्यादती हो, उनके साथ ज्यादती हो, उन पर जुल्म हो, और उनकी जो मतलब उनको जो है तकलीफ पहुंचाया जाए। तो इन चीज़ों से बचाने की ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ एजाइलम है इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिसके बाद फिर मेंटली जो एबनॉर्मल पेशेंट हुआ करते थे तो उन पर किसी किस्म के एक्सपेरिमेंट नहीं किए जाते थे और ना ही उनको किसी किस्म की तकलीफ दी जाती थी। तो ये एक हिस्ट्री थी सेफ एजाइलम के पीछे जो कि मैंने आपको बताई। मजीद आगे एक्सक्यूज मी सर, जी 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 आप पूछिए। सर ये प्लीज रिपीट कीजिएगा, इसकी समझ नहीं आई मुझे। सेफ एजाइलम की ये जो आपने पहला अभी करवाया उसको सर रिपीट कीजिएगा। अच्छा, देखिए 1790s में क्या हुआ था, 1790s में सर मेंटली ये सेफ असाइलम वाला अच्छा कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ एजाइलम के बारे में मैंने आपको ये बताया कि ये असल में हमारे साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसको फिलिप पिनल और विलियम टूक ने इसको क्या किया था, इसको इंट्रोड्यूस कराया था। इसको इंट्रोड्यूस कराने का जो बुनियादी मकसद था वो यही था कि जितने भी हमारे साथ मेंटली एबनॉर्मल पेशेंट है, ठीक है, उनके साथ किसी किस्म की ज्यादती ना हो, उन पर किसी किस्म का जुल्म ना हो, उन पर किसी किस्म के ऐसे एक्सपेरिमेंट ना हो जिससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचे और वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। तो इस तरह के जो मेंटली इल पेशेंट थे तो उनकी हिफाजत के लिए सेफ एजाइलम का जो कॉन्सेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था, और इसको जिन लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया था तो उसमें एक का नाम जो है फिलिप पिनल और दूसरा का नाम जो था वो विलियम टूक था, ठीक। ये प्ले किया था कि इन्होंने ऐसे लोग जो कि एबनॉर्मल थे, जहनी तौर पर एबनॉर्मल थे और डिस्टर्ब थे, तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने जो है दूसरे लोगों को हायर करना शुरू कर दिया, मतलब उनके लिए जो है नर्सिस को हायर करना शुरू कर दिया, और ये नर्सिस जो थे ये वो लोग थे जो कि बहुत ज़्यादा काबिल लोग थे, इंटेलिजेंट लोग थे, और काबिल एतबार भी थे और रिस्पेक्टेबल भी थे। तो ऐसे लोगों को इन्होंने हायर किया जिसकी वजह से ये लोग जो थे बेहतर तरीके से ऐसे पेशेंट को केयर देते थे जो कि जहनी तौर पर क्या थे, एबनॉर्मल थे। तो डॉक्टर विलियम एलर्स का एक कारनामा यह है कि इन्होंने
मेंटली एबनॉर्मल पेशेंट के लिए लोगों को हायर करना शुरू किया था, और इसके बदले में उनको वो मुआवजा भी दिया करती थी, मतलब उनको सैलरी भी दिया करती थी उनका उनके काम की। इसी तरह से इन हिज 1836 पब्लिकेशन ऑफ ट्रिस्टी इन इंसेनिटी, डॉक्टर विलियम एलिस ओपनली स्टेटेड दैट एन एस्टेब्लिश नर्सिंग प्रैक्टिस काम डिप्रेस पेशेंट एंड गिव होप टू द होपलेस। इसी तरह से डॉक्टर विलियम एलिस ने 1836 में ट्रिस्टी ऑन इंसेनिटी, मतलब वो लोग जो कि एबनॉर्मल थे, जहनी तौर पर ठीक नहीं थे, तो उनके लिए जो है एक बुक शाया की थी, जिसमें उन्होंने वाजे तौर पर ये बात की थी कि ऐसे लोग जो कि जहनी तौर पर एबनॉर्मल होते हैं, जो कि मेंटली रिटार्डेड होते हैं, अगर इनको हम सही तरीके से केयर दें, अगर नर्सिंग प्रैक्टिस जो है हम सही तरीके से इनको दें ऐसे मेंटली एबनॉर्मल लोगों को, तो इससे इन पेशेंट का जो डिप्रेशन है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और इसी तरह से वो लोग जो कि ना उम्मीद होते हैं तो उनको एक उम्मीद मिल जाती है। किस वजह से? इस वजह से कि जब हम इनको प्रॉपर तरीके से केयर देंगे, इनको प्रॉपर तरीके से डील करेंगे, इनको काउंसल करेंगे, तो इस तरह से ये लोग डिप्रेशन से भी निकलेंगे, और जो ना उम्मीदी इनमें पैदा हुई थी तो वो ना उम्मीदी जो है वो उम्मीद में बदल जाएगी। तो ये बात किसने की थी? ये बात डॉक्टर विलियम एलिस ने की थी। एमसीक्यूज में ये आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल यही स्टेटमेंट दिया गया होगा, लेकिन जो डॉक्टर विलियम एलिस है इनका नाम नहीं दिया गया होगा, ये ऑप्शन में आपको दिया गया होगा। तो आपसे पूछेंगे कि ये बात किसने की थी 1836 में, तो आप अगर आपको ये स्लाइड याद हो तो आप फिर आसानी से आप वहां पर मार्क कर सकेंगे कि डॉक्टर विलियम एलिस ने ये बात की थी कि अगर हम मेंटली जो एबनॉर्मल पेशेंट होते हैं उनको अगर प्रॉपर तरीके से उनको केयर दे तो उनमें डिप्रेशन के जो असरात है वो भी कम हो जाते हैं, और इसी तरह से वो ना उम्मीदी से निकल कर वो उम्मीद पर उम्मीद हो जाते हैं। इसके बाद फिर हमारे साथ एक दूसरी नर्स क्यूरिस थी जिसका नाम लेंडा लेचर्ट था, ठीक है। लेंडा लेचर्ट जो थी ये एक फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स थी ग्रेजुएट, जिन्होंने ग्रेजुएशन जो है यूनाइटेड स्टेट में 1882 में बूस्टन सिटी कॉलेज से की थी, ठीक है। सो लिंडा लेचर्ट द फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स ग्रेजुएटेड इन द यूनाइटेड स्टेट इन 1882 फ्रॉम बूस्टन सिटी कॉलेज, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बूस्टन सिटी कॉलेज से 1882 में लिंडा लेचर्ट ने जो है क्या किया था, साइकेट्रिक नर्सिंग में उन्होंने ग्रेजुएशन मुकम्मल की थी। इसी तरह से 1913 में जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी वाज द फर्स्ट कॉलेज ऑफ नर्सिंग इन द यूनाइटेड स्टेट टू ऑफर साइकेट्रिक नर्सिंग एज अ पार्ट ऑफ इट जनरल करिकुलम। इसी तरह से 1913 में जॉन हॉपकिन, ये यूनिवर्सिटी का नाम है, ठीक है, ये पहले यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग बनी हुई थी जिसमें साइकेट्रिक नर्सिंग के लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट जो है बनाया गया था, और साइकेट्रिक नर्सिंग के हवाले से एजुकेशन और ट्रेनिंग जो थी वो इस यूनिवर्सिटी में देना शुरू हुई थी, ठीक है, 1913 में। इसी तरह से द फर्स्ट साइकेट्रिक नर्सिंग टेक्स्ट बुक नर्सिंग मेंटल डिजीज वॉज ऑथर्ड बाय हैरिट बेली इन 1920। एमसीक्यूज में आपसे ये पूछ सकते हैं कि वो कौन थे जिन्होंने पहला नर्सिंग टेक्स्ट बुक नर्सिंग मेंटल डिजीज के नाम से जो है शाया किया था, तो अगर नाम आपको याद हो तो वो कौन थे, हैरिट बेली थे, ठीक है। हैरिट बेली जो थे ये पहले नर्स थे, ठीक है, या नर्सिंग थ्योरिस्ट आप इनको कह सकते हैं, जिन्होंने मेंटल हेल्थ से रिलेटेड या मेंटल से रिलेटेड जितने भी डिजीजेस है उसके हवाले से एक बुक जो है वो क्या किया था, शाया किया था। कब किया था? 1920 में किया था, ठीक है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ साइकेट्रिक नर्सेज वॉज डन बाई 1920 इन द यूनाइटेड किंगडम एंड डिग्री कोर्सेज इन साइकेट्रिक नर्सेज बिगेन इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसी तरह से 1920 में यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम बर्तानिया कहते हैं, ठीक है,
या इंग्लैंड भी उसको कहते हैं। तो 1920 में यूनाइटेड किंगडम में साइकेट्रिक नर्सिस की जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू की गई थी, और इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो है जो साइकेट्रिक नर्सिस है उनके लिए डिग्री कोर्स का बाकायदा आगाज हुआ था, जहां पर उनको बीएस साइकोलॉजी या बीएस साइकेट्री की जो एजुकेशन और ट्रेनिंग है वो दी जाती थी। कहते हैं कि इट वाज नॉट अंटिल 1950 व्हेन द नेशनल लीग फॉर नर्सिंग रिक्वायर्ड ऑल नर्सिंग स्कूल्स टू इंक्लूड क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन साइकेट्री टू रिसीव नेशनल एक्रीडिटेशन। और इसी तरह से 1950 तक ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं बना था जहाँ पर मतलब जो नर्सिंग स्कूल है वहाँ पर साइकेट्री के से रिलेटेड जो है वो एजुकेशन दी जाती हो और साइकेट्री से रिलेटेड मतलब डिग्रियाँ जो है वो दी जाती थी। तो 1950 तक फिर ऐसे कोई भी कॉलेज नहीं था जहाँ पर साइकेट्री से रिलेटेड एजुकेशन ना दी जाती हो और मतलब डिग्रीज ना दी जाती थी। इस सेंटेंस इस पैराग्राफ का मतलब यह है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इसी तरह से हमारे साथ जो यूनाइटेड किंगडम है जिसे इंग्लैंड कहते हैं बरतानिया, तो 1950s तक फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं था जहां पर साइकेट्री से रिलेटेड एजुकेशन ना दिया जाता हो। तो तमाम नर्सिंग कॉलेजेस में साइकेट्री के हवाले से ट्रेनिंग भी दी जाती थी और इसके साथ साथ उनको एजुकेशन भी दिया जाता था। ठीक है, मजीद कहते हैं साइकेट्रिक नर्सिंग वाज इंक्लूडेड इन द बेसिक नर्सिंग करिकुलम बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस इन 1961। और इसी तरह से 1961 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग ने जो है जो साइकेट्रिक नर्सिंग है इसको अपनी जो बेसिक नर्सिंग करिकुलम है उसमें शामिल कर दिया। इन 1963 में क्या हुआ, 1963 में प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी इन यूनाइटेड स्टेट पास द कम्युनिटी मेंटल हेल्थ एक्ट व्हिच प्रपोज द डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ मेंटली इल पर्सनल। ठीक है, 1963 में प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी जो कि यूनाइटेड स्टेट में थे उन्होंने जो है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ एक्ट एक क्या कहते हैं एक आइन जो है वो पास कर दी जिसमें डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ मेंटल हेल्थ पर्सन उसको क्या किया था, उसको प्रपोज किया था, जिसमें ये कहा गया था कि डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किसे कहते हैं, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है ये हमारे साथ सोशियोलॉजी में वो मूवमेंट होते हैं जिसमें क्या होता है एडवोकेट द ट्रांसफर ऑफ मेंटली डिसेबल्ड पीपल फ्रॉम पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सच एज साइकेट्रिक हॉस्पिटल बैक टू देयर फैमिलीज और इनटू कम्युनिटी बेस्ड होम। इससे पहले 1963 से पहले जितने भी हमारे साथ मेंटली इल पेशेंट हुआ करते थे तो उनको एक अलग जगह में रख दिया जाता था, उनको एक अलग जगह में उनको ट्रीटमेंट दी जाती थी जिसको हम साइकेट्रिक हॉस्पिटल या मेंटल हॉस्पिटल कहते हैं, और उनको माशरे से लोगों से बिल्कुल दूर रखा जाता था, मतलब उनको माशरे में नहीं छोड़ा जाता था। फिर 1963 में जब प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी ने यूनाइटेड स्टेट में कम्युनिटी मेंटल हेल्थ एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन को पास कर दिया तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ये ऐलान किया कि जितने भी हमारे साथ जहनी तौर पर एबनॉर्मल लोग हैं तो इस तरह के लोगों को जो है अपने जो माशरा है उससे हम दूर नहीं रखेंगे, लोगों से हम इनको दूर नहीं रखेंगे, बल्कि इनको हम अपने कम्युनिटी में रखेंगे, अपने घरों में ही रखेंगे, और इनको जितनी भी केयर की ज़रूरत हो, जितनी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो इनको हम ये ट्रीटमेंट जो है इनके फैमिलीज में इनको रख कर फैमिलीज के साथ ही इनको हम क्या करेंगे ये ट्रीटमेंट भी देंगे और इनको हम केयर भी देंगे, मतलब उनको माशरे का एक हिस्सा उनको बना दिया। ठीक है, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब मुझे पता है आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किसे कहते हैं। डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ये असल में एक एक्ट था, एक कानून पास किया गया था जिसमें ये बात की गई थी कि जितने भी हमारे साथ जहनी तौर पर एबनॉर्मल लोग हैं तो उन जहनी तौर पर एबनॉर्मल लोगों को अब
हम अपने माशरे से या फैमिली से दूर नहीं रखेंगे, बल्कि जितनी भी केयर, जितनी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो ऐसे लोगों को अपने फैमिलीज में रखते हुए, अपने कम्युनिटी में रखते हुए उनको हम क्या करेंगे, केयर देंगे, और उनको हम अपने फैमिली और कम्युनिटी का एक हिस्सा जो है वो हम क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक्सपेंडेड रोल वर आल्सो डेवलप्ड इन द 1960s अलाउिंग नर्सेज टू प्रोवाइड आउट पेशेंट सर्विसेज सच एज काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, कंसल्टेशन, प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन अलोंग विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। और इसी तरह से 1960s में नर्सेज को फिर मजीद ये रोल भी सौंप दिया गया कि वो जितने भी आउट पेशेंट सर्विसेज है वो अपने मेंटली इल पेशेंट को दे सकते हैं, जिसमें वो अपने जहनी तौर पर जितने भी बीमार पेशेंट हैं उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, उनको साइकोथेरेपी दे सकते हैं। ठीक है, मतलब उनकी जो थिंकिंग एबिलिटीज है उसको दोबारा से नॉर्मल की तरफ लाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से कंसल्टेशन, उनको उनके साथ कंसल्टेशन कर सकते हैं, उनको मेडिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और उनके जितने भी मेंटल इलनेसेस है तो उसको डायग्नोज भी कर सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो ये सारी जिम्मेदारियां जो है 1960s में नर्सिस को सौंप दी गई थी। द फर्स्ट डेवलप स्टैंडर्ड ऑफ केयर वॉज क्रिएटेड बाई साइकेट्रिक डिवीजन ऑफ द अमेरिकन नर्सिस एसोसिएशन इन 1973। और इसी तरह से 1973 में अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने फिर साइकेट्रिक केयर के लिए जो है एक स्टैंडर्ड केयर डेवलप किया था, मतलब एक स्टैंडर्ड जो है वो बनाया था जिसको बेस, जिसको बुनियादी बुनियाद बनाकर उस बुनियाद के बेस पर जो है जितने भी मेंटली तौर पर इल पेशेंट है तो उन पेशेंट को क्या किया जाता था, केयर दिया जाता था। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो है इसी इसी को बनाया जाता था जो कि अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने 1973 में प्रपोज किया था। द स्टैंडर्ड आउटलाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेड क्वालिटी ऑफ केयर ऑफ नर्सिस। ठीक है, और अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने 1973 में जो स्टैंडर्ड बताया था केयर के हवाले से कि नर्सेज जो है अगर केयर करेंगे तो इसी स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखते हुए वो क्या करेंगे, अपने पेशेंट को केयर देंगे, और अगर इस स्टैंडर्ड से आउट हो, ठीक है, इस स्टैंडर्ड को फॉलो ना करते हो तो फिर इन पर चार्जेस आई होंगी, इनको पनिशमेंट दी जाएगी। तो इस स्टैंडर्ड ऑफ केयर को जो है एक क्वालिटी केयर जो है बनाई गई थी नर्सिस के लिए, जिसके बेस पर नर्सिस जो है अपनी जो प्रैक्टिसेस है उसको क्या कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं और अपनी जो क्वालिटी केयर है उसको एक्सटेंडेड बना सकते हैं। फिर क्या हुआ?